देंगे इंडिया न्यूज। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और हरियाणा की खबरों की बात करते हैं। तो शाम विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी किरण चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी को वसूली वाली सरकार करार दिया है। किरण चौधरी का कहना है कि बीजेपी सरकार में हर वर्ग दुखी है। सरकार ने राज्य की जनता से जो वादे किए थे वो 5 साल में पूरे नहीं हुए, लिहाजा अब प्रदेश की जनता ने बीजेपी सरकार को सत्ता से उखेड़ने का मन बना लिया। ये इलेक्शन लड़ना है, ये इलेक्शन मेरे कार्यकर्ताओं का है, मेरे इलाके का है, मेरे परिवार का है। 5 साल जो है मेहनताना मैंने करना है और अपना खून पसीना मैंने बहाना है। तो कार्यकर्ता के अंदर बहुत उत्साह है और मैं समझती हूँ ये जो उत्साह इनके अंदर है, ये जो जोश है, ये बहुत भारी बहुमत से जो है दुष्यंत सिंह जो खोखले वायदे, झूठे नारे, जुमले, केवल बीजेपी की चाल। कांग्रेस ने ना कभी झूठे नारे दिए, ना जुमले दिए और ना खोखले वायदे। कांग्रेस जो कहेगी वो करेगी। अब हमारा घोषणा पत्र आ रहा है, इनके 154 वायदे थे इनके घोषणा पत्र में, जिसको हमने जुमला करार दे दिया, क्योंकि कोई एक भी इनका जो वायदा था वो पूरा नहीं हुआ। हमारे जो वायदे आएंगे जो हमने अपने घोषणा पत्र के अंदर करे हैं, उसके अंदर आप देखिएगा एक एक पॉइंट इस तरह से चुन के रखा है कि हर वर्ग को करा गया है। और उसकी चेयरमैन जो मैं बनी थी, ये सोच के करके एक एक पॉइंट डाला गया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उसको हम पूरी तरह से नियमित तरीके से उसको लागू करेंगे।